तीन वे जिनसे आप ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। नंबर वन, जिन चीजों को हम वैल्यू करते हैं पूरे दिन हमारे दिमाग में वही चलती रहती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेकर ओवर थिंक करते हो तो इसका मतलब आपने ऐसी चीजों को बहुत वैल्यू दे रखी है जिनको आपको वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी। और ये बात हमें बहुत लेट समझ आती है। जितनी कम चीजों को आप वैल्यू दोगे उतनी कम चीजों से आपको फर्क पड़ेगा। जैसे ही आप किसी चीज की रियलिटी जानकर उसको अनइम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर देते हो वो आपके माइंड से ड्रॉप हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। नंबर टू, कुछ लोग जिनको पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सब कुछ करना बंद कर देते हैं और बस बैठकर सोचते रहते हैं कि क्या करना है, जिससे वो और गहरे ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग से बाहर आप ओवरथिंक करके नहीं निकल सकते, आपको एक्शन लेना जरूरी है। इसलिए खाली मत बैठो। अगर आप अपने ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देकर काम नहीं करवाते तो वो उस खालीपन को भरने के लिए अपने आप कुछ ना कुछ सोचने लगेगा। नंबर थ्री, कई लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो अपना काम करते करते ओवरथिंकिंग में कब चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे लोग एक्सटर्नल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे काउंटडाउन टाइमर मेथड। इसमें आप काम करते टाइम अपने सामने एक टाइमर चला दो, जिससे आपके ऊपर उस काम को जल्दी करने का प्रेशर बना रहे और ऊपर से जब भी आप ओवरथिंकिंग में फंस जाओ वो टाइमर देखते ही आपका थॉट ब्रेक हो जाए और आप वापस काम पर लग जाओ।